अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश ड्रेसिंग। यमुना ज़ैदी आजकल बहुत बिजी हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ के टूर पे गई हुई हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, पहले वो फिनलैंड गई थी और अब वो जर्मनी के दौरे पे गई हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यमुना ज़ैदी शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के डोनेशन के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ का दौरा कर रही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले वो फिनलैंड गई हैं और उसके बारे में आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। फिनलैंड के बाद वो जर्मनी गई हैं। जर्मनी में वहाँ पे वो जो है लोगों से उन्होंने अपील की कि शौकत खाना मेमोरियल का कराची में कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, तो उसके लिए डोनेशन चाहिए। वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से यमुना ज़ैदी को वेलकम किया और बड़े अच्छे तरीके से जो है प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके साथ यमुना ज़ैदी की आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, जो कि वहाँ की शौकत खाना आई मीन पीटीआई की जो है वो हेड भी हैं। तो आप लोग यमुना ज़ैदी का तेरे बिन सीज़न टू का वेट कर रहे हैं। कल अब्दुल्ला कादवानी ने जैसे कि अनाउंस किया कि तेरे बिन सीज़न टू चाहिए या खुदा और मोहब्बत का सीज़न फोर पहले चाहिए, तो जाहिर है लोगों को तेरे बिन सीज़न टू चाहिए। तो यमुना ज़ैदी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के टूर पे हैं और फिर रवाहाज अली भी बिज़ी हैं, तो यकीनन इसकी शूटिंग बाद में शुरू होगी तेरे बिन सीज़न टू की।